जय हिंद दोस्तों, आज आपको मैं डेड फ़ोन रिपेयर करना बताऊंगा। अगर आप फ़ोन को रख के अलमारी में भूल गए हो और काफ़ी दिन बाद आपने अपना मोबाइल फ़ोन लिया है हाथ में और आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है या किसी वजह से अचानक से बंद हो गया है, तो आप देखिए सबसे पहले किस तरीके से उसको ऑन करेंगे। पहले तो इसकी सबसे पहले सिम ट्रे निकाल लो, क्या उसके बाद मैं इसे है ना खोलना बताता हूँ। ये MI का 5A है। आपके पास कोई सा भी मोबाइल हो आप उसको इस तरीके से करना, ठीक है। इसका सबसे पहले तो बैक कवर खोलना है। लग रहा है कुछ पानी वानी में गया है सेट। वैसे कस्टमर का कहना है कि उसने फ़ोन को रखा है, बस कुछ दिनों के लिए रख दिया था इसने और इसने निकाला है इसको चलाने के लिए, तो अभी ऑन नहीं हो रहा। हम इसे ऑन करेंगे। देखो इस सेट में है ना आपको एक चीज़ पता चलेगी, एक बात और जानने को मिल जाएगी आपको कि इसमें देखिए सील लगी हुई है, ठीक है। एक सील यहाँ लगी है और एक सील यहाँ लगी है। जैसे ही हम इस पर स्क्रू ड्राइवर लगाते हैं तो इसकी गारंटी ख़त्म हो जाती है। ये नए सेट के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। इसकी तो अगर गारंटी नहीं होगी तो 4-5 साल पुराना फ़ोन हो गया, मगर आपके पास जो भी फ़ोन होगा उसमें कंपनी वाले इस तरीके का स्टिकर लगा कर देते हैं, अनब्रेकेबल ब्रेकेबल स्टिकर लगा कर देते हैं। ये टूट जाता है स्टिकर है ना, इसे छुटाने की कोशिश करेंगे ना हम तो ये आधा टूटेगा, पूरा साबुत नहीं निकलेगा। बहुत कम चांस होते हैं वो हम निकाल सकते हैं उसको साबुत, मगर मैं आपको बता रहा हूँ इसमें पेचकस लगा कर ही हम इसको खोलेंगे। देखिए इसमें नीचे मुझे थोड़ा मॉइस्चर लग रहा है और ये सेट ऑन नहीं हो रहा, और चार्जिंग पे भी ये ऑन नहीं हो रहा है। कस्टमर ने इसको है ना रात भर चार्जिंग पे लगा के भी छोड़ा था और ये ऑन नहीं हुआ, मगर अब हम इसको ऑन करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ऊपर का हिस्सा मैं खोलूँगा। डेड फ़ोन को रिपेयर करना काफ़ी इजी हो जाता है अगर आप फ़ोन को रख के भूल गए हो ना। देखिए इसमें एक कहानी और बन के सामने आएगी कि अगर आप डेड फ़ोन को किसी दुकान पर लेकर जाते हैं ठीक कराने के लिए, तो दुकानदार के पास है ना पूरी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो आपसे कितना भी चार्ज कर ले, क्योंकि फ़ोन बंद है। अब वो कुछ भी कहानी सुनाएगा ना तो आप मान लोगे। ये पहली बार सेट खुल रहा है, ठीक है, ये खुल गया हमारा मोबाइल और इसमें नीचे की तरफ मॉइस्चर गया है मगर ऊपर की तरफ नहीं गया, ऊपर के बोर्ड में। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें चार्जर लगा कर बस बैटरी का पत्ता आपको हटा कर 10-12 बार लगाना है। इससे क्या होगा, अगर बैटरी हमारी ठंडी हो गई होगी ना, उसके MPS डाउन हो गए होंगे, तो वो MPS ठंडे हो गए होंगे तो वो उठ जाएगी बैटरी आपकी, है ना। एक झटका मारने का तरीका ये है और हमारे पास एक झटके की मशीन भी होती है, मगर ये आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बैटरी का पत्ता आपको रिमूव करना है हल्का सा इस तरीके से और इसको बार बार अटैच करते रहिए, और जब ये वाइब्रेट हो जाए ना बैटरी के पत्ते को लगा कर छोड़ दें। जैसे अभी ये नहीं हो रहा है तो अब हम इसका नीचे का हिस्सा खोल के देखेंगे। आपने देखी ली होगी कंपनी वाले इस तरीके से सील लगा कर देते हैं इसमें वाइट कागज़ के, वो इससे पहचान जाते हैं। जैसे इसमें स्क्रू का स्क्रू ड्राइवर का निशान देखेंगे ना वो, तो वो फ़ौरन कह देंगे कि भाई आपने सेट बाहर खुलवा दिया है, अब बाहर ही करवा लो इसको। हमारे पास लेके आओगे तो हम पैसे मांगेंगे भाई। अंडर वारंटी में भी अगर आपने ये काम करा दिया बाहर गलती से भी। अब चार्जर को हटा देते हैं, ये बात देखो इसका चार्जिंग जगह ना पूरे तरीके से जंग में लग चुका है, मतलब कहने का मतलब ख़राब हो चुका है। तो मैं इसका सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग जग चेंज करूँगा, उसके बाद ये फ़ोन ऑन हो जाएगा। 100% बता रहा हूँ आपको, है ना। दुकान पे अगर इस कंडीशन में फ़ोन बंद करके अगर हम ले जाते हैं ना, तो पता है दुकान वाले क्या करते हैं, वो सीधा आपको ये बोलेंगे भाई इसका मदरबोर्ड ख़राब है, 2000 रुपये खर्चा आएगा। चाहे वो सिर्फ आपका चार्जिंग जग चेंज करके ऑन कर दे सेट को, क्योंकि फ़ोन बंद है आपको इसके बारे में पता नहीं है। तो मैं इसको जल्दी से चार्जिंग जग चेंज करता हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ इसे ना। पानी इसमें लगा था ना नीचे नीचे साइड में, ये आई थिंक मैं बताऊँ क्या हुआ होगा कि जैसे कस्टमर ने कभी ना उसका या तो बारिश में भीग गया होगा या पानी लग गया होगा, हल्का सा फ़ोन पानी के अंदर टच हो गया होगा, उस वक्त बंद हो गया होगा, चार्ज नहीं हुआ होगा। तो बंदे ने ये सोचा होगा कि यार क्या ठीक करवाऊँ, दूसरा ही फ़ोन ले लेता हूँ, तो उसने दूसरा ले लिया। मगर अब वो दूसरा फ़ोन उसका खो चुका है, मगर अब उसके दूसरे फ़ोन में प्रॉब्लम आ गई है, तो वो सोच रहा है कि यार इसे ठीक करवा लूँ, क्योंकि वो नया फ़ोन उसमें महंगा खर्चा आ रहा होगा। बता रहा था कस्टमर के भाई इसे ठीक कर दो, नए वाले को तो नहीं करवाऊँगा। अब मैं इसका बोर्ड निकालता हूँ, ये मैंने बोर्ड निकाल दिया इसका ये जैक ही ख़राब है। देखो पूरे तरीके से पानी में जा रखा है ना। कई बार क्या होता है दुकान वाले बताते नहीं है कि आपका जैक ख़राब है, वो सीधा ही बोल देंगे भाई आपका ना ये बोर्ड ख़राब हो गया और ये बोर्ड चेंज होगा, बोर्ड इतने का आएगा, 1500, 2000, 3000। आपको नॉलेज अगर नहीं होगी ना तो आप उसे पैसे दे भी दोगे। अब इसका मैं ना चार्जिंग जैक चेंज कर देता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें चार्जिंग जैक इसी का चार्जिंग जैक डाल देंगे हम, ये रहा चार्जिंग जैक। मैं इसको अब जल्दी से चेंज कर देता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। A few moments later. चलिए ठीक है दोस्तों, चार्जिंग जैक तो इसका हमने चेंज कर दिया, ठीक है। इसको मैं लगा कर देखता हूँ, बोर्ड को लगा कर देखते हैं, है ना।
तो अब एक बार चार्जर लगाकर इसको देखते हैं, ठीक है। अगर ये खाली चार्ज इसी से काम हो गया ना, तो फिर तो मज़ा आ जाएगा ना। अब हमें वो प्रोसेस करना पड़ेगा जो मैं शुरू में आपको बता रहा था ना, बैटरी हटा के लगानी। ये MI के फ़ोन में होता दोस्तों, ठीक है। ये हटाया पत्ता, और ये झकास, देखो पत्ता हटा हुआ है, ठीक है। पत्ते में इसका मतलब बैटरी बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है, चार्जिंग नहीं जा रही है। तो यहाँ पे ये अपने मन से कुछ भी दिखा देगा, अब टेंशन मत लेना। अब इस पत्ते को लगाओ 2-3 बार, जब तक ये जीरो ना दिखाने लगे। हटाओ लगाओ, हटाओ लगाओ, वाइब्रेट होता रहेगा ये बार बार। अब और ये प्रोसेस हमें जब तक करनी है जब तक स्क्रीन पे बिल्कुल 0% नज़र ना आ जाए। जिसकी बैटरी जैसे ही उठ जाएगी ना 0% से, तो फिर ये हमारा फ़ोन चार्ज होने लगेगा और फिर हमारा फ़ोन बिंदास ओके हो जाएगा ना। जीरो दिखाना, जीरो दिखा दिया भाई, सब बैटरी के एम्पियर्स उठ चुके हैं। अब हमारा फ़ोन ओके रिपोर्ट हो चुका है इस 3 रुपये के जैक से, ठीक है। दुकानदार आपसे है ना 100 रुपये, 150 रुपये, 200 भी मांग लेना आपसे, तो कोई बात नहीं, मना मत करना आप, है ना। अगले की मेहनत है, सीखा उसने, उसकी दुकान का किराया वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है ना। मगर इतना ना हो कि दुकानदार आपको बोले भाई मदरबोर्ड ख़राब है इसका, तो वो एक गलत कहानी हो जाती है ना। देखिए इसके नीचे चार्जिंग की लाइट भी आने लगी, ये वाली चार्जिंग की लाइट होती है इस पत्ते में, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं इसे ना पैक कर देता हूँ ऐसे के ऐसे ना। तो आजकल पता दुकान वाले क्या ड्रामा करने लगे हैं भाई, बहुत सारे बंदे यार इसी तरीके से कमाने लगे। हम सोचते हैं कि यही कमाने का एक तरीका रह गया है। मान लीजिए मैं जैक से काम बन गया इसका, ओन हो गया सेट ये, है ना। इसके बाद क्या करेगा दुकान वाला, कहेगा भाई ऐसे तो नहीं मानूंगा भाई, इसका ना स्पीकर भी ख़राब है भाई, इसका है ना रिंगर भी ख़राब है यार, इसका तो भाई वाइब्रेटर भी ख़राब हो गया यार। वो धीरे धीरे करके आपको है ना या तो इकट्ठा खर्चा बता देगा, या फिर वो धीरे धीरे चीज़ों को ख़राब बता बता कर है ना आपसे पैसे ले लेगा। तो इसलिए देखो इस सारी बातों का सोल्यूशन है ना मैंने आपको पहले भी बता रखा है, और आपने भी मुझे अप्रिशिएट किया है उस काम के लिए। मैंने एक काम आपको करने के लिए बोला था पहले कि जैसे ही फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आए ना, तो भाई अपने सामने रिपेयर कराया करो, पता चल जाएगा रिपेयर करने वाला कितना बड़ा महारथी है ना। वो खाली बातें ही बनाता है या काम भी कर लेता है कुछ, वो उसका जब पता चलता है जब आप अपने सामने उससे रिपेयर कराओगे अपना फ़ोन, अपने सामने कराना। अगर वो खुद करता होगा ना, तो खुद करने वाला बंदा है ना, कभी आपको ये नहीं बोलेगा भाई आ जाओ 2-4 घंटे में, वो सीधा बोले भाई मैं अभी करता हूँ। अगर दूसरा काम कर रहा है तो वो आपको बिठा देगा, भाई 2 मिनट रुक जाओ मैं एक भाई का काम कर दूँ, उसके बाद आपका कर दूँगा। जो काम करने वाला होता है वो ये बातें बोलता है ना। अच्छा ठीक है दोस्तों, हमारा काम देखो हो गया ना बिंदास, मैं कुछ नहीं करूँगा इसमें, बस हो गया मेरा काम हो गया भाई साहब, ओके रिपोर्ट है। अभी आपको ना ऑन करके भी दिखाऊँ, अभी जीरो रहेगा थोड़ी देर के लिए, जैसे बैटरी गर्म होगी ना ये, तो फिर ये 1, 2, 3, 4 ऐसे पे आ जाएगा, मगर ये देखो 0 पे भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। जब तक इसे मैं बंद कर लेता हूँ, तो ये बैटरी उठाने का मैंने आपको एक तरीका बता दिया। बहुत सारे बंदे हैं ना सोचते हैं कि यार काफ़ी दिन हो गए फ़ोन को रखे हुए और बैटरी ऑन नहीं हो रही, अब दुकान पे जाते दुकान वाला कहता भाई बैटरी ख़राब हो गई आपकी। ख़राब नहीं होती वो, आप इस तरीके से अगर फूली नहीं है ना, तो डेफिनेटली इस तरीके से वो ओके हो जाती है। ये देखो दोस्तों ऑन हो चुका है ये, ठीक है। अच्छा इसमें देखो एक चीज़ और आपको सीखने को मिलेगी, ये स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट सिस्टम फंक्शन में नॉट बी विजिबल, कुछ ऐसा लिख के आ रहा होगा ये। तो इस प्रॉब्लम में है ना आपको पता करना क्या है, आप है ना फ़ोन को एक बार रीसेट मार देना, अपनी जीमेल अकाउंट को लॉग आउट करके और फ़ोन को रीसेट मार देना, क्योंकि इसकी ना मेमोरी फुल हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि फोटो वीडियो हमारे फ़ोन में है नहीं, फिर भी मेमोरी फुल बता रहा होता है। कंडीशन में ना आप रीसेट मार दिया करो, दुकान पे मत जाया करो, दुकान वाले फिर आपको बोलेंगे भाई सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, आपसे 300 से 500 रुपये ले लेंगे आराम से ना। ढक्कन भी देखो इस तरीके से लगता है यार बड़े आराम से। अभी ये हटाऊँगा ना तो मैं फ़ोन बंद भी हो सकता है, ठीक है। मगर अभी 1% हुई है इसमें चार्जिंग बस, मगर ये बंद हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि डेड फ़ोन को कैसे ऑन करते हैं ना। चैनल पर नए मेहमान हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसमें मैं चार्जर लगा दूँगा, इसको चार्ज करूँगा 50-60% आराम से बिंदास। अब ये अब 0 से ही स्टार्ट होगा ये, ठीक है। 0 से या 1 से जो भी इसमें लिख के आएगा, 0 से आ गया ना, अभी आराम से चार्ज हो जाएगा। टेंशन मत लिया करो, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ऐसी हेल्पफुल वीडियो और भी मैं आपके लिए लाता रहूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।